वेलकम बैक टू द चैनल गाइज। आज हम लोग बात करेंगे बांग्लादेश और बांग्लादेश के इंटरिम जो हेड है मोहम्मद यूनिस उनको लेके। प्रेजेंटली हम लोग देखे मोहम्मद यूनिस यूएस में सफ़र कर रहे थे और इसी के बीच में यूएस काफ़ी मोहम्मद यूनिस का पीठ थपथपा रहा है क्योंकि मोहम्मद यूनिस अकॉर्डिंग टू यूएस बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और इसके वजह से हो सकता है कि आगे जाके बांग्लादेश और यूएस का जो रिलेशन है वो और भी अच्छी तरह से बढ़ पाए। नो डाउट ये सब देख के बहुत ही अच्छा लगता है। ऑन द अदर साइड एक क्वेश्चन अराइज होता है, क्या ये वही यूएस है जो एक टाइम में बांग्लादेश के ऊपर भर भर के सैंक्शंस डाला था? एग्जैक्टली क्या हुआ, किसके वजह से यूएस का ये जो 180 डिग्री टर्न है इसके पीछे एग्जैक्टली रीजन क्या है? रीजन है एक कि बांग्लादेश का जो पावर है ये एक्सचेंज हो गया है। एक टाइम में बांग्लादेश का जो पावर था वो शेख हसीना के हाथ में था और अभी वो जाके मोहम्मद यूनिस के हाथ में आ गया है। तो नो डाउट यूएस को प्रॉब्लम जो है वो बांग्लादेश से नहीं था, बांग्लादेश का जो पीएम थी मतलब शेख हसीना उनसे प्रॉब्लम थी क्योंकि वो यूएस को कुछ अलाउ नहीं कर रही थी और आज के डेट में मोहम्मद यूनिस आने के बाद बांग्लादेश में यूएस जो चाहे वही कर सकता है। इसके वजह से यूएस मोहम्मद यूनिस को इतना सपोर्ट कर रहा है। अब एग्जैक्टली हुआ क्या था पास्ट में अगर हम लोग देखें तो अकॉर्डिंग टू यूएस शेख हसीना एक ऐसी पीएम थी जिसके वजह से बांग्लादेश में बहुत सारा प्रॉब्लम हुआ। बांग्लादेश में जो ह्यूमन राइट्स था वो सब कुछ मतलब एग्जैक्ट फॉलो नहीं किया गया जिसके वजह से यूएस को इतना गुस्सा था और आज के डेट में बांग्लादेश में जो कुछ भी हो रहा है अकॉर्डिंग टू यूएस ये सब कुछ ठीक है, बांग्लादेश में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, कुछ इशू नहीं है। मोहम्मद यूनिस जैसे बांग्लादेश को रन कर रहे हैं वो कम्प्लीटली एकदम परफेक्ट है बांग्लादेश के लिए। तो नो डाउट मोहम्मद यूनिस यूएस का पुराना प्यार है। आज के डेट में अगर देखा जाए मोहम्मद यूनिस अपना जो स्टडीज़ है वो भी यूएस से कम्प्लीट किया है। 2009-2010 में जब मोहम्मद यूनिस को अवार्ड मिला एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वो भी यूएस से मिला। ऑन द अदर साइड अगर देखा जाए यूएस के फॉर्मर जो प्रेसिडेंट थे बिल क्लिंटन उनके साथ मोहम्मद यूनिस का काफ़ी अच्छा ताल्लुकात हमेशा रहा है जब वो प्रेसिडेंट थे और प्रेजेंटली मोहम्मद यूनिस जब यूएस विजिट कर रहे थे पहले वो जाके जो बिडेन से मिले, भले ही यूएन के जो मीटिंग्स चल रहे थे एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जो विजन अपने तरफ से टाइम मैनेज किया और मोहम्मद यूनिस से मिला और वो लोग आपस में एक वार्म हग भी शेयर किया। ऑन द अदर साइड अगर देखा जाए इसके बाद मोहम्मद यूनिस गए क्लिंटन के साथ। जैसे मैंने आपको कहा कि मोहम्मद यूनिस जो है वो क्लिंटन के साथ एक बहुत ही पुराना रिलेशन शेयर करता है। एक टाइम में जब क्लिंटन गवर्नर हुआ करता था तो उस टाइम में मोहम्मद यूनिस का जो ये ग्रामीण बैंक थियोरी है ये क्लिंटन को बहुत ही ज़्यादा प्रभावित किया था। इसके बाद भी जब क्लिंटन प्रेसिडेंट बने एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मोहम्मद यूनिस क्लिंटन के कॉन्टैक्ट में था और आज जब बांग्लादेश को मोहम्मद यूनिस संभाल रहे तब भी क्लिंटन मोहम्मद यूनिस के साथ खड़े रहे। दोनों में जो रिलेशन है ये काफ़ी अच्छा है। अगर आप ये वीडियो देखें तो आपको पता ही चल जाएगा एग्जैक्टली इन लोगों का जो रिलेशन है या फिर इन लोग जब आपस में मिलते हैं तब जो रिलेशन हम लोग को देखने को मिलता है। तो नो डाउट ये कह ही सकते हैं हम लोग कि मोहम्मद यूनिस इज ऑलवेज अ डार्लिंग फॉर यूएस, मगर ये रिलेशन बांग्लादेश और यूएस के बीच में हमेशा नहीं था। अगर हम लोग थोड़ा सा पास्ट में जाए 1971 में जिस टाइम में बांग्लादेश लड़ रहा था पाकिस्तान के साथ कि भाई हम लोग को फ्रीडम चाहिए, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जो इस्लामाबाद मतलब जो पाकिस्तान था वो यूएस का अलाय हुआ करता था, तो इसलिए यूएस हमेशा ये जो वार था इसमें हमेशा अपोज करता था। ऑन द अदर साइड यूएस कभी भी नहीं चाहता कि भाई इंडिया जो है वो ढाका या फिर बांग्लादेश को हेल्प करे आगे जाके ये वार जीतने में। 1972 तक यूएस तो कभी मानने को तैयार ही नहीं था कि बांग्लादेश बोल के कोई कंट्री है। ऑन द अदर साइड अगर देखा जाए आज तक बांग्लादेश में यूएस के एक ही प्रेसिडेंट जो 2000 में बिल क्लिंटन थे वो विजिट किया था एक बार और इसके बाद जो बांग्लादेश के पीएम थे उस टाइम में बांग्लादेश के पीएम थे शेख हसीना वो ऑब्वियसली वो यूएस विजिट किया। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यही एक बायलैटरल मीटिंग था जो हुआ था यूएस और बांग्लादेश के बीच में। अगर हम लोग पास्ट में कोई भी मीटिंग देखें कि जब यूएस से कोई आया था या फिर बांग्लादेश से कोई गया था कोई बायलैटरल मीटिंग तो हम लोग को यही बस एक मीटिंग देखने को मिलेगा जो क्लिंटन के साथ हुआ था शेख हसीना का। उसके बाद डिफरेंट टाइम में बांग्लादेश के जो मिनिस्टर थे वो लोग यूएस ट्रैवल किए मगर वो पर्सनल रीजंस के लिए, कोई भी ऐसा बायलैटरल मीटिंग हम लोग पास्ट में देखने को नहीं मिलता। इसके पीछे एक ही रीज़न है कि भाई 1972 तक बांग्लादेश को यूएस मानता ही नहीं था कि कोई अलग सा कंट्री है। मतलब बांग्लादेश का जब बॉर्न हुआ उस टाइम से ही यूएस के साथ बांग्लादेश का जो रिलेशन था ये काफ़ी ख़राब था, मगर अभी जो खुशखबरी है कि प्रेजेंटली ये जो रिलेशन ये पूरा 180 डिग्री टर्न ले लिया है। मोहम्मद यूनिस जाके सबसे पहले मिले जो बाइडेन से जिनके साथ वो एक वार्म हग शेयर किया, उसके बाद क्लिंटन से जिनके साथ भी उनका बहुत ही पुराना रिलेशन है और बहुत ही अच्छा रिलेशन है। इसके अलावा भी अगर हम लोग देखें यूएस के जो पुराने अलाई थे जैसे कि पाकिस्तान के शहबाज शरीफ के साथ भी मोहम्मद यूनिस मिले। हो सकता है कि ये जो मीटिंग था इसमें दोनों देश के बीच में बात हुआ कि आपस में इस्लामाबाद और ढाका के बीच में कैसे रिलेशन इम्प्रूव किया जाए,
ऑन द अदर साइड ये भी हो सकता है कि आगे जाके पाकिस्तान जो है वो बांग्लादेश में कुछ बड़ा इन्वेस्टमेंट करे, या फिर पाकिस्तान की तरफ से बांग्लादेश को कुछ गिफ्ट प्रोवाइड किया जाए, क्योंकि रिलेशन जो है वो धीरे धीरे बेटर हो रहा है। और एक और चीज़ बहुत साल बाद हम लोगों को नोटिस करने को मिला कि पाकिस्तान का जो मोहम्मद अली जिन्ना थे, मतलब पाकिस्तान के जो फाउंडर, वही मोहम्मद अली जिन्ना का जो डेथ एनिवर्सरी था, इस बार धूमधाम से बांग्लादेश में मनाया गया। अगर हिस्ट्री में देखा जाए, जब से बांग्लादेश को फ्रीडम मिला है, तो पहली बार ऐसे मनाया जा रहा है। ऑन द अदर साइड जो बांग्लादेश के मोहम्मद यूनिस, वो US में जाके डिफरेंट जो एंटी इंडिया संगठन के लीडर्स थे, उन लोगों के साथ भी मिला। भले ही वो अपने तरफ से बोले कि भाई इंडिया के साथ हम लोग का जो रिलेशन है वो हम लोग को सुधारना है, आगे जाके हम लोग को अच्छी तरह से रहना है, हम लोग पड़ोसी है। ऑन द अदर साइड उसका जो काम है वो अलग है, उसका काम अलग शो करता है। वो जाके मिलता है पाकिस्तान के PM शहबाज शरीफ के साथ, जो एंटी इंडिया संगठन के लीडर से, उन लोगों के साथ US में जाके उनका मीटिंग्स होता है। और उसके बाद वो आके बोलते हैं, नहीं भाई हम लोग तो इंडिया के साथ रिलेशन जो है वो भी और भी बेहतर करने में हम लोग इसमें काम कर रहे हैं। तो जो भी हो, ये कम्प्लीटली मोहम्मद यूनिस का स्टेप है। ऑन द अदर साइड US जो है अभी मोहम्मद यूनिस को मतलब बहुत ही अच्छी तरह से सपोर्ट करे, मगर इसके पीछे एग्जैक्टली रीज़न क्या है? एक टाइम में जब शेख हसीना थी, मतलब वो जिस टाइम में शेख हसीना US विजिट करी थी, क्लिंटन जिस टाइम में US का प्रेसिडेंट हुआ करता था, उस टाइम में US ने कभी भी बांग्लादेश के ऊपर इस लेवल पे इंटरेस्ट शो नहीं किया था, मगर प्रेजेंटली जो है US कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट शो करे, इसके पीछे एग्जैक्टली रीज़न क्या है? रीज़न शेख हसीना अपने तरफ से पहले ही बता दिया है कि US को इंटरेस्ट है बांग्लादेश के लैंड के ऊपर, जो बांग्लादेश का आईलैंड है उसके ऊपर। एग्जैक्टली क्यों? क्योंकि जब क्लिंटन प्रेसिडेंट था, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम US का जो सबसे बड़ा परेशानी था वो था रशिया। प्रेजेंटली US का अगर सबसे बड़ा परेशानी हम लोग देखें तो वो है चाइना। तो चाइना का जो पावर है उसको अगर कैप्चर करना है, तो ऑब्वियसली US को एक ऐसा लोकेशन चाहिए जो चाइना के बहुत करीब हो। प्रेजेंटली US ये बात इंडिया को बोल नहीं सकता, क्योंकि इंडिया का जो इकोनॉमी है उस हिसाब से इंडिया इसको एंटरटेन नहीं करेगा। ऑन द अदर साइड अगर कोई ऐसा कंट्री मिल जाता है, या फिर ऐसा कोई आइलैंड मिल जाता है जो ऑब्वियसली इंडियन ओशन के साथ पोर्ट के साथ कनेक्टेड है, ऑन द अदर साइड चाइना के करीब है, तो ऑब्वियसली US के लिए वो जो लोकेशन है वो वन ऑफ द बेस्ट लोकेशन होगा। और ये जो गिफ्ट है ये है बांग्लादेश के पास। हो सकता है कि आगे जाके US यहाँ अपने तरफ से कुछ बड़ा प्रपोजल लाए बांग्लादेश को, जिसमें बांग्लादेश अलाउ करे कि US का जो मिलिट्री सेटअप है वो बांग्लादेश में हो, और आगे जाके वही सेटअप को US यूज़ करे अगेंस्ट चाइना। ये भी हो सकता है कि ये जो सेटअप है इस यहाँ वो अपने तरफ से मिलिट्री बेस बनाए, या फिर उसको लॉन्च पैड के हिसाब से यूज़ करे अगेंस्ट चाइना। मगर अभी तक कोई ऑफिशियल कन्फर्मेशन नहीं है, सबको सब कुछ पता है मगर ऑफिशियली कहीं भी कुछ लिखा नहीं है। और अगर हम लास्ट मंथ को देखें, मतलब सितंबर में US का एक टीम आया था बांग्लादेश में, तो वो लोग अपने तरफ से बांग्लादेश को एक $200 बिलियन का एड जो है अपने तरफ से प्रोवाइड किया है। हो सकता है कि ये बांग्लादेश को बहुत जल्दी मिल जाए, और उसके बाद ये जो विजिट है ये और भी बढ़ता रहे। यूनिस अपने तरफ से US में जाके जो एंटी इंडिया संगठन है, जो पाकिस्तान के लीडर से, या फिर जो भी कोई इंडिया के खिलाफ है, उन लोगों के साथ मीटिंग करे। ऑन द अदर साइड US बांग्लादेश में आके कहे, नहीं हम लोगों को तो इंडिया के साथ जो रिलेशन है वो बहुत ही बेहतर करना है। और इन फ्यूचर ये भी हो सकता है कि US के साथ बांग्लादेश का कोई एग्रीमेंट हो, जिसमें कोई भी आइलैंड जो है वो एक सर्टेन टाइम के लिए US को लीज में प्रोवाइड किया जाए। तो जो भी होगा ये हम लोग को आगे पता चल जाएगा। तो ये सब देखने के बाद आपका क्वेश्चन होगा, क्या भाई ये सब देख के बांग्लादेश का जो ये सब प्रेजेंटली जो मूवमेंट है, ये सब देख के इंडिया का क्या हालत है, या फिर इंडिया क्या कर रहा है? इंडिया सब कुछ ऑब्जर्व कर रहा है, इंडिया को पता है कब क्या करना है, कौन कितना देर तक कितना कूदेगा, कौन किसका साथ कितना देर तक निभाएगा, या फिर साथ निभाने के बाद वो कंट्री का हालत क्या होगा। इंडिया ये बहुत पास से देखते आ रहा है और प्रेजेंटली भी देख रहे हैं। इंडिया को बस चाहिए भाई अपना जो नेबर है वो शांत रहे, वो अपने तरफ से चले। इंडिया का जो ज़रूरत है इंडिया अपने तरफ से कर ही रहा है। ऑन द अदर साइड अगर नेबर को अच्छा ही जो है वो सूट नहीं करता, तो ये नेबर का एक्टिविटी से ही पता चल जाता है। जब ज़रूरत होगा इंडिया अपने तरफ से स्टेप लेगा, और इंडिया समझा देगा कि भाई आप हमारे नेबर हो, आप हमारे नेबर की तरह अच्छी तरह रहो, वरना आपका हालत भी पाकिस्तान के जैसा हो जाएगा। और ऐसे अगर देखा जाए कंट्री का जो इकोनॉमी है प्रेजेंटली, नो डाउट बांग्लादेश को जो कंसंट्रेट करना चाहिए था सबसे पहले वो है उनका इकोनॉमी पे। भाई जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसको अगर ग्रोथ करता है, तो ऑब्वियसली बांग्लादेश को ये डिफरेंट जगह में जाके सेम पाकिस्तान का जो स्टेप है, मतलब कटोरा लेके घूमना, वो फॉलो नहीं करना पड़ता। ऑन द अदर साइड बांग्लादेश अपनी तरफ से अपना जो ग्रोथ है उस पर ध्यान देता। ऑन द अदर साइड अगर हम लोग देखें, जब से ये इंटरिम गवर्नमेंट स्टार्ट हुआ है, तब से सारा जो स्टेप है वो एक एक करके उल्टा ही लेते जा रहे हैं बांग्लादेश। इसके अलावा भी अगर हम लोग देखें, जो बिडेन जो है वो अपने तरफ से बांग्लादेश का जो डेमोक्रेसी है, बांग्लादेश का पीपल टू पीपल कनेक्ट है, ये सब लेके बहुत बात किया है, मगर जो बिडेन कभी भी ये नहीं बोला कि बांग्लादेश में इलेक्शन बहुत जल्दी होना चाहिए, आगे जाके जो इंटरिम गवर्नमेंट है इससे बांग्लादेश में जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है
वो फॉर्म करना चाहिए। इस बात को लेकर यूएस कभी इंटरेस्टेड ही नहीं है, क्योंकि यूएस चाहता था ये सिचुएशन। ऑलरेडी ये सिचुएशन में प्रेजेंटली मोहम्मद यूनिस प्लेस्ड हो गया है, और अभी मोहम्मद यूनिस प्लेस्ड होने के बाद मोहम्मद यूनिस को जो करना था वो अपने तरफ से वही स्टेप करें। तो होपफुली ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा। अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा तो मेरे यूट्यूब चैनल में जाके आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है ATANU SPACE PAUL अतनु पॉल। अगर आप ये चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा जो बेल आइकन है उसमें भी क्लिक कर दीजिए। वीडियो डिफरेंट टाइम में आता है, जब भी आएगा आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। ऑन द अदर साइड अगर आपको कोई भी वीडियो बहुत ही अच्छा लगता है तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा आपके लाइफ के जो स्पेशल पर्सन है उनके साथ शेयर कीजिए, क्योंकि इससे क्या होता है आपका जो टेस्ट है, आपको क्या देखना पसंद है वो उन तक पहुँचता है, और हम लोग जैसे जो क्रिएटर है हम लोग का जो रोजी रोटी है वो भी चलता रहता है। तो होपफुली ये वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।